लॉकडाउन के बाद से सभी काम ठप हो गए हैं। एम्स परिसर में स्थित बिल्डिंग का कार्य भी लॉकडाउन के चलते बंद हो गया है, जिस वजह से यहाँ रह रहे तिहाड़ी मजदूरों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर तकरीबन 500 से 1000 लोग होने की आशंका है। इनका कहना है कि ठीक समय पर राशन नहीं मिलने के कारण भूखे रहने की नौबत आ गई है, जिस वजह से ये लोग अपने अपने गाँव जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन बंदी के चलते यह मुमकिन नहीं है। सर, हम लोग का 3 महीना पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और सर खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है हम लोग का। हमारे कंपनी का हलवलिया नाम है, हलवलिया कंपनी, नहीं सैलरी नहीं मिला अभी तक। 3 महीना को फरवरी तक का पगार रुका हुआ है। देश इस वक्त जहां कोरोना नामक कोविड-19 नामक बीमारी से जूझ रहा है, वहीं आज भी दिहाड़ी मजदूर जो है काम करते हुए कई परेशानियों का सामना करने पड़ रहा है। आज इस वक्त इनविजन की टीम खड़ी है एम्स पर, जहाँ पर किसी कारणवश कोरोना के कारणवश यहाँ पे काम जो है बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर कई मजदूर जो है फंसे हुए हैं। ये मजदूर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, कुछ लोग जो है बिहार से आए हुए हैं। इनकी अपनी खुद अपनी व्यथा है, कई रोज से इनको ना पैसा मिला हुआ है ना इनके खाने पीने की यथा योग्य व्यवस्था की गई है। क्या यहाँ के नजारा है, क्या तकलीफें इनको हो रही है, आइए हम जानते बात करते हैं यहाँ के कुछ मजदूरों से कि वो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आप? इकबाल हुसैन। क्या परेशानी है आपको यहाँ? परेशानी है, काम बंद है, अभी खाने पीने की दिक्कत है, रेशन पानी नहीं मिल रहा है ठीक से। आपके कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहे हैं? अपने कॉन्ट्रैक्टर पैसा दे रहे हैं रेशन पानी का, वो क्या कर सकते हैं, वो रेशन पानी आएगा बेचने के लिए तब ना खरीद सकते हैं। और कितने लोग यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद? अपना तो आत्मा तो 9 आदमी है, इधर तो हजारों लोग है। आप कहाँ से आए हुए हो? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से? आप कहाँ से आए हो भैया? जी सर, बिहार से आए हुए। बिहार से? कितने लोग हैं बिहार से? बिहार से लोग बहुत होंगे, लगभग 1800-1900 होंगे। क्या तकलीफें आ रही है? तकलीफ यही है सर कि राशन पानी नहीं मिल रही है, हम लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि अपने गाँव जाएंगे सर। तो गांव जाने की तो अभी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। हम लोग सोच अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू यहाँ के प्रशासन से बात करने की कोशिश की है? जी सर, हम लोग तो नहीं किए हैं अभी। हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर पैसा दे रहा है, राशन का दुकान ही नहीं लग रहा है कि हम लोग राशन ले सकते हैं। तो उन्होंने राशन आपके यहाँ मुहैया कराने की कोई? जी नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि पैसा हम देंगे, राशन देख लो, राशन की दुकान लग रही थी, अभी नहीं लग रहा है। और कोई परेशानी है? नहीं, और परेशानी यही नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि बिहार के सरकार कुछ मदद करे हम लोग, नीतीश कुमार, वो कुछ भी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है यहाँ पर, ये जो दिहाड़ी मजदूर है, यहाँ पर एम्स का काम जो है कोरोना की वजह से रोका गया है, लगभग पूरे देश की स्थिति ऐसी बन पड़ रही है। लोग यहाँ पर जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है इनको। परिवार के साथ में कुछ लोग हैं, कुछ लोग अकेले हैं, लेकिन इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है सही तरीके से की नहीं जा रही है। और आप देख सकते हैं पीछे में जो बिल्डिंग का काम हो रहा है वो इस वक्त ठप पड़ा हुआ है। इनके खाने पीने का इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, ऐसे इनकी कंप्लेंट है। और कई इनके कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह जो भी इनके संपर्क से इस वक्त नहीं है। कैमरा पर्सन मोहर के साथ रत्नाकर की रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज के लिए।